सुबह आज नाश्ते में बनाई हूँ मूली के पराठा है और चाय। चलो नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सुबह कपड़े धो के डाल दी और आज बहुत सारे कपड़े धोई हूँ। अभी थोड़ा सा ठीक है, धूप दिन निकला है तो अब बारिश के टाइम है तो कभी धूप निकलते कभी अचानक पानी भी आ जाते। और एक हल्का कपड़े था तो इसको भी डाल दी थी तो थोड़ा थोड़ा गीला था तो इसको फिर मैं उठा ली। और यहाँ पर भिंडी लगाई थी और लौकी भी लगाई थी, इसमें लौकी एक भी नहीं उगा है और भिंडी तो उगा है बीच बीच में। थोड़ा बहुत कचरा है तो मैं साफ कर दे रही हूँ। इसमें देखिए धोइना डाली थी तो वो निकले हैं और एक लौकी का पौधा निकले वो है लौकी। इसमें तो फूल का पेड़ बहुत सारे है पर उसको नहीं रखेंगे जगह, इसमें कुछ कुछ नहीं डाल देंगे। जल्दी जल्दी अचानक खाना खा के उठे हम लोग और फिर पानी आ गया। और बिट्टू वीडियो बना रहा था, मैं बोलती वीडियो मत बना, अभी कपड़े को उठा पहले, सूख गया था कपड़े का और गीला हो जाएंगे तो फिर और डालना पड़ेगा। और मैं पतली पतली था और कोई सूख भी गए थे तो नहीं डालेंगे धूप में तो इसी को घोड़ी करके रख रही हूँ। दोपहर का कितना बज रहा है, 3 बज रहा होगा पर अभी भी बहुत टाइम है पर पानी आ गया था, क्या करें, उठाना पड़ा कपड़े को पर सूख गए थे। बेडशीट भी धोई थी तो वो भी सूख गया।
और बेडशीट को भी धोई थी तो उसको भी बिछा दे रही हूँ। और ये ना डबल बेड है तो उसको दो फोल्ड करके बिछाती हूँ। अब सिंगल बेड का बेडशीट पूरा ख़राब हो गया तो नहीं, और जो पहले भी बिछाया था वो भी डबल बेड का है, उसको अंदर बिछा दी वो और ये सामने रूम में बिछा। और यहाँ पर आपको मैं बना रही हूँ, इसमें बरबट्टी है और कुंदरू लाठी तो भी डाली हूँ। पक जा रहा था तो लाए तो पका पका ही था तो उसको आधा आधा देखिए हम लोग बैठे खाना खाने, और एक दाल है, दाल भी थोड़ा सा बाद में बनाई हूँ क्योंकि सूखा सब्जी था तो इसीलिए। और ये दोपहर का दाल है, लौकी और चूना के साथ बनाई थी जो सूखा भूंजा हुआ सब्जी होता है तो बहुत सारा बना होता, बहुत सारा होता है ना, फिर थोड़ा